दोस्तों, फोनपे के अंदर ना एक न्यू अपडेट आई हुई है, और ये जो अपडेट है ना ये दो बैंकों के अंदर मुझे अभी देखने को मिला है, एक तो पीएनबी और दूसरा एचडीएफसी। आखिर ये अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको अपना यहाँ पर जो बैंक लिंक करके रखे हो उस बैंक का अगर आप यूपीआई पिन भूल चुके हो, तो आप जैसे उस यूपीआई पिन को रिसेट करोगे ना, मतलब रिसेट करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर ना आपको एक अलग सा अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो प्रोफाइल आइकन है, जस्ट हम इस पर टैप करेंगे, यहाँ आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जस्ट हम बैंक अकाउंट पर टैप करेंगे, देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिंक है, हम जस्ट इस पर टैप करेंगे एंड यहाँ मिलेगा रिसेट का ऑप्शन, रिसेट पर टैप करेंगे। तब यहाँ पे हमें कार्ड के लास्ट के 6 नंबर एंड उसके वैलिड एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करने को बोल रहा है। ऐसे तो आप आधार से भी कर सकते हो, आधार का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, फाइन। बट हम यहाँ पे कार्ड से करेंगे क्या कि हमें पता चल सके कि यहाँ पे जो अपडेट है न्यू वाला वो अपडेट क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, जैसे कि कार्ड के लास्ट के 4 नंबर, वैलिड एक्सपायरी डेट, जस्ट प्रोसीड पे टैप करेंगे। यहाँ पे मैसेज का परमिशन आएगा, अलाउ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी जो कि ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए, देखिए फिल हो गया, हम साइन पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इंटर 4 डिजिट एटीएम पिन, देखिए पहले यहाँ पे एटीएम पिन का ऑप्शंस नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखोगे तो आपको यहाँ पे इंटर 4 डिजिट एटीएम पिन का भी ऑप्शंस आ रही है। क्या अब एटीएम पिन जब तक यहाँ पे फिल नहीं करेंगे तब तक हम यूपीआई पिन को रिसेट कर ही नहीं सकते। तो क्या ये अपडेट आपको पहले से पता था या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जब तक हम एटीएम पिन यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे ना, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए मैं अपना एटीएम पिन को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड हम साइन के ऑप्शंस पे टैप करेंगे। एंड उसके बाद देखिए ऑप्शंस आ चुका है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। अब हमें यहाँ पे न्यू यूपीआई पिन को इंटर करना होगा एंड साइन पे टैप करेंगे, फिर से कंफर्मेशन के लिए एक बार और इंटर करेंगे। अब साइन पे टैप करेंगे तो हमारा यूपीआई पिन यहाँ पे सेट हो पाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको इस अपडेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब एटीएम पिन से ही हम रिसेट कर पाएंगे, बिना एटीएम पिन के हम रिसेट नहीं कर सकते। फिलहाल अभी दो बैंकों के अंदर ही चीज़ देखने को मिला, पीएनबी और एचडीएफसी। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।